एंकर ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हो? मैंने कहा हाँ, मैं बताता हूँ क्यों सहमत हूँ। हमने कहा चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राजा दशरथ उनके पिता थे। तो पिता के कहने पे राम चले गए वन में, तो लक्ष्मण भाई के रूप में वन में चले गए। भरत ने जाके वन में गए और थाली में राम की खड़ाऊँ रख के लाके शासन किया। मैंने कहा एक और बाबरी परंपरा में भी एक चार भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। मैंने कहा एक ने बाकी तीन का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिको का सर काट कर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थाली में भाइयों के कटे हुए सर देखे हों, उन्हें थाली में रखी हुई भाइयों की खड़ाऊं कल्पना ही लगेगी, इसमें इनका कोई दोष नहीं। इसलिए मैंने ये कहने का प्रयास किया कि ये जो बदलाव है वो किस चीज, और मैं ये कहता हूं भाई आप किसी मजहब पंथ को मानने वाले हो, ये बता दो घर में क्या चाहते हो? बुढ़ापे में तुम जेल में हो और एक भाई तीन को काट चुका हो, या आपके एक वचन की रक्षा के लिए आपके बेटे कुछ भी करने को तैयार हो? वैसे ऑन द लाइटर नोट, थोड़ा विषयांतर पर जाते हुए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, इनके अंदर बहुत गहरा तत्व छुपा हुआ है। शायद आप में से कभी किसी ने ध्यान दिया, क्योंकि उसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये भगवान राम चार ही भाई क्यों थे? तीन या पांच भी तो हो सकते थे। हमारे हर चीज का रीजन है। चार भाई किस बात के प्रतीक हैं? चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री राम धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं, मोक्ष के प्रतीक भरत हैं, और अर्थ के प्रतीक शत्रुघ्न हैं। इसीलिए लक्ष्मण ही मन में क्यों गए राम के साथ? क्योंकि कामना या काम जो है सदैव धर्म के साथ संलग्न ही रहना चाहिए, उसके साथ पृथक नहीं हो सकता, तभी वो सन्मार्ग में रहेगा। और भरत ने ही खड़ाऊं रख के शासन क्यों किया? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतर की यात्रा करनी है, एक प्रतीक को भी सामने रख के आप वह यात्रा कर सकते हैं। और शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहे? चूंकि अर्थ राजधानी से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं पर रहेंगे। हर चीज का अपने यहां एक आधार है। अब एक और बात मैं कहता हूं, रामायण में तीन स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा, जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी, सुपर्णखा, जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, और ताड़का, जिसका राम ने वध किया था। ऐसा क्यों हुआ भाई? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप लोग प्रभु, एवरीथिंग इज हैविंग ए रीजनिंग। कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी,